सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रहती आई है। राहुल गांधी ने खुद कई मौकों पर इस कंपनी को सीधा फायदा पहुंचाने के आरोप केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। इस बीच कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और अडानी समूह के बीच निवेश को लेकर समझौते हुए हैं। इसको लेकर जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से सवाल पूछा गया तो वो असहज हो गए और जवाब देने के बजाय माइक को पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ बढ़ा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसका जवाब देने के बजाय कहा कि ये उचित अवसर नहीं है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पी चिदम्बरम से अडानी और तेलंगाना सरकार के बीच हुई डील से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल को उन्होंने टाल दिया और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ माइक शिफ्ट कर दिया। निवेश प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर पी चिदम्बरम ने तेजी से माइक सुप्रिया श्रीनेत की ओर बढ़ा दिया। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये घोषणा पत्र के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें सिर्फ इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृपया बुरा न माने, लेकिन घोषणा पत्र लॉन्च करना एक बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर उद्योगपति गौतम अडानी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। वो अडानी को मोदी का दोस्त बताते हैं। कई दूसरे विपक्षी नेता भी सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। इन सब के बीच अडानी समूह ने गुरुवार को रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के साथ कुल 12,400 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रेड्डी ने खुद अडानी के साथ डील साइन की। अडानी समूह डेटा सेंटर के लिए 5,000 करोड़, दो पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ और सीमेंट प्लांट के लिए 1,400 करोड़ का निवेश करेगा। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने इसी मामले को लेकर डीएमके पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बेशर्म डीएमके भी अलग नहीं है। अडानी इज मोदी, मोदी इज अडानी का राग अलापने के बाद उन्होंने अडानी समूह के साथ 42,700 करोड़ का समझौता किया। फिर भी वो स्वीकार नहीं करेंगे कि अडानी ही बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि अडानी को लेकर कांग्रेस की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं इस एमओयू के बाद फेल होती नजर आ रही है, या आपकी राय इस विचार से भिन्न है? कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।